हेलो एवरीवन, निक्स फ्लेवर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ गार्लिक पटेटो बाइट्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यह बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है जो बच्चों को तो बेहद पसंद आता है। तो आइए बहुत ही कम सामग्री का प्रयोग करते हुए गार्लिक पटेटो बाइट्स बनाते हैं। गार्लिक पटेटो बाइट्स बनाने के लिए हम उबले हुए आलू लेंगे। यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज का आलू लिया है। आलू को हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं उबालना है, बस इतना उबालना है कि आलू थोड़े सॉफ्ट हो जाए। उबले हुए आलू को अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। इसे कद्दूकस के मोटे वाले साइड से ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से मैंने सारे आलू को ग्रेट कर लिया है। यह ग्रेट किया हुआ आलू लगभग 2 कटोरी के बराबर है। इसमें हम 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 टेबल स्पून बारीक कटे हुए लहसुन, 1/2 कप कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर और 1/2 टेबल स्पून या स्वादानुसार नमक डालेंगे। इन सारी सामग्री को मिक्स कर लेंगे। अगर इसे आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें चिली फ्लेक्स ना डालें, केवल ब्लैक पेपर पाउडर ही डालें। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून पानी डालेंगे जिससे कि मिक्सचर अच्छी तरह से बाइंड हो सके। इसे हम हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। अभी मिक्सचर थोड़ा ड्राई लग रहा है तो मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून पानी और ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें कुल 4 चम्मच पानी ऐड किया है, इससे ज़्यादा हमें इसमें पानी नहीं डालना है। इसे हमें आटे की तरह नहीं गूंदना है। इस मिक्सचर को धीरे धीरे हल्के हाथों से हम इकट्ठा करेंगे। प्रोसेस को करते समय हम हाथों से बहुत प्रेशर नहीं लगाएंगे, नहीं तो आलू चिपचिपे हो जाएंगे और हमारे बाइट्स अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए, हमने सारी सामग्री को इस तरह से सेट कर लिया है। अब हम चॉपिंग बोर्ड पर थोड़ा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और अपने हाथों में भी थोड़ा सा मैदा लगा लेंगे। इसे इस तरह से चाकू की सहायता से 2 भागों में बांट लेंगे। एक भाग को लेकर उसकी लोई बनाएंगे। इसे हम हाथों से हल्का प्रेस करते हुए इस तरह से रोल करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में इसके ऊपर हम मैदा स्प्रिंकल करते रहेंगे जिससे ये चॉपिंग बोर्ड पर और हाथों में ना चिपके। कुछ इस तरह से पतला और लंबा रोल बनाएंगे और इसे चाकू की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। एक प्लेट में मैदा स्प्रिंकल करेंगे और कटे हुए टुकड़ों को उसमें रखते जाएंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह से सारे पटेटो बाइट्स बना लिए हैं। इसे स्टोर करने के लिए हम इसे एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रीजर में 1 हफ्ते तक रख सकते हैं और जब भी इसे यूज करना चाहें तो फ्रीजर से बाहर निकालें और इसे डीप फ्राई कर लें। फ्राई करने के लिए पैन में तेल गरम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे डीप फ्राई करेंगे। इसे हम स्पैचुला से लगातार पलटते रहेंगे और जब ये गोल्डन हो जाए तब इसे पैन से निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स बने हैं और इसमें लहसुन का फ्लेवर तो इसे और भी यमी बना देता है। इसे आप सॉस, चटनी या मेयोनेज के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस स्वादिष्ट और बेहद आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।